Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपारं बहुन्दरं बहुदंशाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्त्रिसंदीप्तमलेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा विदिग्नविन्दामि शमन्त विष्णु दंष्टाकरालानितते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा प्रसीदरे स जगन्निवासे
अमित त्वाम धृतराष्ट्रस्य भूत्वाः सर्वेश हैवावनिपालसंधि भीष्मो द्रोण शूत्रपुत्रश्च धासौ सहस्मदीयैरपि योधमूर्खै वक्त्राणि देश्वरमाणाभिषन्ति दर्शापराधानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा जगन्ति तथा च वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धदेवा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तदापि वक्त्राणि समृद्धदेवा लोलीयसे प्रसमाना समन्ताल्लोकान् समग्रान्वरणैर्वलसे तेजो हिरापूर्य जगत्समागम् भासस्वरूपान्ति आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमो देव ज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं मुनि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षरकृत्कवृद्धो लोकान् स्वमः त्वमिह प्रवेश ऋतीति त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भूक्ष्वराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भूक्ष्वराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/7/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मुखानिया में हुआ। राम गीता महाराज अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता यथा प्रवृत्ते भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समध्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। अहं सर्वस्य प्रभव, संसार में जो कुछ है सबका उत्पादक मैं हूँ, सबका उत्पन्न करने वाला वो मैं हूँ। और ये सब प्रवृत्ति से सब प्रवृत्ति होती है, सबका संचालन होता है, सबका रक्षण होता है, सबका ठीक तरह व्यवस्था होती है, वो करने वाला परमात्मा है। ये सब प्रवृत्ति होता नाम ये सर्वमिदम जिसे सब संसार व्याप्त है। तो हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, ऐसे मान करके भाव समन्विता बुधा जो भाविक लोग है, भाव वाले, वे परमात्मा का भजन करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है और मनुष्य के भीतर अपने को अच्छा बनने की एक स्वतः स्वाभाविक इच्छा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, मैं सबसे अच्छा जानकार बनूं, सब मेरे को माने, सबका मानने श्रेष्ठ बनूं। तो वो श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को ये प्राप्त कर रहे। तो लोगों में धन की प्रवृत्ति क्यों हो रही है कि धनी आदमी को लोग अच्छा मानते हैं और धन से सब कुछ मिलता है, इस वास्ते धनी बनने की इच्छा करते हैं। परंतु परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ये एक बहुत विलक्षण बात है। लोग उलझे रहते हैं संसार के पदार्थों में, भोगों में, जरा ध्यान नहीं देते। धन बहुत कमाने वाले कई मर गए, कोई परवाह ही नहीं। धनी आदमी बहुत कुछ कर लेता है परंतु राजगी अगर उनकी भी चलती नहीं। पहले तो डाकू लूट लेते थे, आज राज लूट लेता है, कौन कहेगा, कौन मना करे, किसको पुकारे। ऐसी दशा में धन की क्या दशा है, पास में हो जाए तो उसकी रक्षा करना मुश्किल है, कहाँ रखे इनको। ये पीछे दिनों में कुछ बातें ऐसी हुई थी, सुशेर जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कहाँ रखें। सुशेर जी ने कहा कि हम बता में रखो तो भाई, ये गरीब है, आरक्षित है, अभावग्रस्त है, ये तिजोरियां है, इनके लिए खर्च करो, तुम्हारा रक्षित रहेगा, सर जहाँ जाओगे वहां मिल जाएगा, इन तिजोरियों में रख दो। उसी भी समझ में आता नहीं, खर्च कैसे कर दे, है जो रखे।
तो वो रखने की जगह नहीं, तो धन में तो आफत है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति करने में बड़ी स्वतंत्रता है। धनी तो दुनिया में सबसे सबसे अधिक एक ही हो सकता है, दो होंगे तो सबसे अधिक नहीं होगा, दूसरा एक और हो गया। सबसे अधिक धनवान एक ही हो सकता है, दूसरा कैसे होगा? दूसरा होगा तो अद्वितीय नहीं होगा, वो दूसरा और हो गया, तीसरा और हो गया। और परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेने पर सबसे अद्वितीय हो जाता है। चाहे 100,000, 10,000, लाख, करोड़ आदमी हो जाए परमात्मा की प्राप्ति वाले, तो वे सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। दुनिया मात्र में सबसे श्रेष्ठ, और उनके भीतर अभिमान नहीं होता। धनी और राजा आदि के भीतर तो बड़प्पन का एक अभिमान अहंकार होता है, और परमात्म तत्व की तरफ चलने वालों का अहंकार मिट जाता है, अभिमान मिट जाता है। वे तो राजा धनी लोग तो अपने को बड़ा मानते हैं, ये अपने को कुछ अभिमान करते मानते नहीं, भगवान उनको अपना मानते हैं। एक संत को कहा, हम सेवा करते थे, शरणानंद जी के सामने बात आई कि हम सेवा करते हैं संतों की, क्या संतों की सेवा धूल करोगे तुम? क्या करो, संतों की सेवा करते हैं भगवान, भगवान लाया रहते हैं मेरे भविष्य मिले, मैं सेवा करूं। पांडवों के यज्ञ में जूठन उठाई भगवान ने, पत्थर उठाई, तो सेवा करते भगवान, तुम क्या सेवा करोगे, क्या कर सकते हो? तो भगवान की सेवा करे, अब कितना बड़ा होगा वो। और धनी बनना में महाराज स्वतंत्रता नहीं है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सबकी स्वतंत्रता। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, वैजन हो, कोई क्या ना, परमात्म तत्व को प्राप्त करने में सब स्वतंत्र, सब अधिकारी, और भगवान उनका आदर करे। भगवान श्री राम जंगल में पधारे, तुम्हारे शरीर का सबरी का आसन पूछते, बड़े 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 मुनि मुनि ने आसन छोड़ी ने सबरी ने घेर जाए थे, बड़े बड़े ऋषियों के आसन को न पूछ, सबरी कुछ सबरी, तो सबरी सबसे जबरी निकली गई। भगवान पूछते, और ऋषि कहते हैं कि छाया में पड़ जाए इसकी, दूर 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 छाया पड़ जाएगा हमारे, तो भगवान के वहां आदर है। तो आदर भी चाहते हो और बड़ा भी होना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा, कल्याण भी हो जाएगा। कितनी विचित्र बात, धन संपत्ति वैभव राज्य हो जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। पहले तो होना बहुत मुश्किल, सर्वोपरि होने कैसे हो, एक एक से बड़ा सर्वोपरि है, और हो भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। लोग कहावत है, तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी, मानो तपस्या कर बड़े हो जाए तो राजा बन जाएगा, राजा हो जाए नरकों में चला जाएगा, ये कहावत है सामान्य। तो उसमें दशा क्या होगी, बड़े धनी बन गए तो धनी होने से कोई कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, पहले बढ़ने में कठिन था, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सब सुगम था। लाख रुपया एक साथ अपने घर में देखने वाले थोड़े आदमी मिलेंगे, रोजाना लाख नाम, 3 लाख नाम रोजाना दे सकते, इसके समान धन क्या बताओ। अरे ये धन लिया वो धनी हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, भजन करने वाले, उनको आज दुनिया आदर दृष्टि से देखती है। आज
अब दुनिया नहीं देखती है हमारे जैसे पीछे उनको भी उन महात्माओं के पीछे रोटी मिलती है मतलब जो पहले भजमान भी हो आज हमारे को भी साधु कहते हैं लोग इसके पीछे साधु हुए महात्मा हुए संतों में ऋषि मुनियों में अच्छे अच्छे महात्मा हुए इस बात से हम लोगों को रोटी मिलती है आदर करते लोग महाराज महाराज करते हैं जजा बंद वे खेजड़ी काट न सके कोई रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज्य एक खेजड़ी के ऊपर जजा बांध दे एक कपड़ा बांध दे तो लोग काटते नहीं देवता की है देवता की ऐसे ही धजा बांध दे एक है अभी संत आए राम जी बताओ चाहे हम कैसे हैं परंतु साधु है आज कोई परवाह नहीं है साधु कोई आदर नहीं है पर आज भी किसी गांव में चले जा तो रोटी मिल जाती साधु आए संत आए अब वो संत ठग है कोई पता नहीं साधु का वेश धारण करके आ गया परंतु वो भी उस वेश पसा पूज्य से वही पूजन हो जाए पूजित हो जाते कितनी विलक्षणता है सच्चे हृदय से परमात्म तत्व को प्राप्त करने वाले महापुरुष हुए वो साधु आश्रम में हुए तो आज साधु पात्र का आदर होता है किस बात को लेकर अच्छे अच्छे संत हुए त्यागी महात्मा भगत दर्जानंदी भगवान के प्यारे हुए इस वास्ते इतनी बात है विलक्षण अभी आज हो सकते हैं अभी भी हो सकते हैं सबके सब स्वतंत्र इसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है भगवान का भजन करने में कोई पराधीनता नहीं है इसमें कोई अयोग्य नहीं है सब भर्ती हो सकते हैं फौज में पलटन में भर्ती हो देखे तो ऊंचा कदम कितना है कितने है कि दो तो ठीक नहीं देखता हमारे यहाँ छोटे बड़े सब भर्ती हो सकते हैं सब सूरदास भर्ती हो सकते देखता नहीं कौन से सुनता नहीं कोई काम का नहीं रात में लग जाए भजन में तो लोगों के हृदय में आसन हो जाए लोगों के हृदय में आसन हो जाए कई वर्ष पहले की बात है बम्बई गए थे तो वहां सत्संग हो रहा था तो पहले अच्छे अच्छे संत हुए उनके सत्संग में बात तो एक बड़े अच्छे पंडित ब्राह्मण वो बोले तो सभा में मैं था वहां बोले कि गार्ड के महाराज है गार्ड के महाराज हूं मैं महाराष्ट्र में गार्ड के कहते हैं हांडी बनी हमें फूटी हांडी जी कहते गार्ड के मेल ठीक रखते थे और जात के धोबी थे पर लोग गार्ड के महाराज महाराज कहते ब्राह्मणों का इतना आदर नहीं होता धोबी का आदर धोबी कहना तिरस्कार है संत थे हनुमान जी को देवता कहना तिरस्कार है हनुमान जी भक्त थे भगवान के देवता कहना तिरस्कार है ऐसे उनको कैसे कहे पंडित ने बात कही गार्ड की महाराज धर्मशाला है उन नाम से कई स्थापित चले आज भी बड़ा आदर करते थे लोग महाराष्ट्र में बड़ा आदर हुआ उन नाम का उनकी संप्रदाय गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला कीर्तन है उनका सही आदमियों को भोजन कराते वहां पर ये गोपाल की ध्वनि हो रही मैंने देखी अब देखो एक भगवान में लग गए विद्वान विद्वान कोई पढ़े लिखे पंडित हो ऐसी बात नहीं तो पंडिताई को इतनी दमे नहीं है पंडिताई और भजन भगवान के चरणों के सर
कितनी बड़ी है और सब कुछ हो सकता है महाराज, पढ़ाई में बड़ी मेहनत पड़ती है। इसमें राम 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 राम, कितनी सुगम बात, कितना सोरा काम, कितनी बढ़ाई, कितनी उत्सुकता और कितना आनंद, कितनी मोह। धन को रक्षा करने छिपाने में मुश्किल हो रही है आज, और भरी वाले चौड़े पर मौज कोई परवाह ही नहीं। एक संतों की बात सुनी मैंने, संतों की कई कई बातें मैंने सुनी है। वे जो संत रहते थे गांव में जाते अपने एक एक आदमी देता भिक्षा लिया था सारे, और सब पा देते भजन स्मरण करते। लोग आते थे सत्संग करने के लिए, बड़े बड़े धनी दूर दूर से, तो चोरों ने देखा कि ये बाबा जी की गुजरी में घर है, कुछ धन है मेरे पास, इतने इतने धनी बड़ी भक्ति से आते। तो बाबा जी परे थे, चोरों को बहन बताते हुए आए रात में, चोरों दिवस थोड़ा ही था बस अंधेरे में, तो बाबा जी लोग पड़े थे उसे लंगोटी पहनी हुई, अच्छा सुरवास में कोई शीत हो ठंडी होती नहीं, ऐसे अपने पड़े तो अच्छी टटोला तो कोई बाबा जी हाथ लग गए हो। अरे कपड़ा ही नहीं है गबो ही गोभी गबे बिना बाबा बड़े अच्छा ऐसे करते कुछ मिलेगा देखे तो कुछ नहीं, कोई कमल पड़ा है, कोई तू भी पढ़ी है, कोई लाठी पड़ी है, जयराम जी। तो वे जाने लगे तो उधर सोए थे वो पूछे अरे भाई इधर आ जाओ उधर आ जाओ, इनके हाथ फेरेगा तो हमारे कौन फेरेगा, हमारे माँ थोड़ी है जो डूंगो पर हाथ फेरे, थोड़ा हमारे पर हाथ फेर जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। माँ होती है ना प्यार से, जब दूध पिलाती है तो प्यार से हाथ फेरती है, तो हमारे कोई माँ थोड़ी बैठी डूंगो पर हाथ फेरे आ जाओ के बाबा जी हाथ फेर लिया आप तो सुना। तो बताओ बड़े बड़े धनी आवे तो पूछो उनको, चिंता है ही नहीं, जगह कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, डर तो माया ने है, काया ने सोई डर को बाबा पढ़े इतने हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भगवान का भजन करने वाली मीरा बाई होगी, किसी वो तो राजरानी थी सा राजकुमारी थी, राजरानी थी पूली बाई, कौन सी राजकुमारी थी, कौन सी राजरानी थी समझे पूली बाई भक्त होगी भगवान कर्मा बाई बेटी जात की भगवान की भजन की महाराज कितनी ऊंची हो गई। आज अच्छे अच्छे संत महात्मा मीराबाई का पद गा करके और प्रेम का आनंद का अनुभव करते मीराबाई के पद बहुत, हमारे भी मन में रहेगी मीराबाई का पद सुने, जैसे संतों की बाणी सुने ऐसे संतों की बाणी, मीराबाई के पद सुना हो भाई, कबीर जी का पद सुना हो मन में आती है, इतना ऊंचा पद धन से विद्या से और राज से नहीं होता, प्रथम चलता है सब राजा कैसे हो जाएंगे, सब धनी कैसे हो जाएंगे और भजनानंदी सब हो जाएंगे, किसी के लिए बना नहीं, खुला दरबार है, जात भजो और गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात है, कितनी स्वतंत्रता है, कितने ऊंचे हो सकते हो आप, कितने ऊंचे बढ़ सकते, सब आप स्वतंत्र है, एकदम मौज की बात हो रही, आनंद की बात हो रही, तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ,
राम 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 जी भलाओ मुक्ति मुंडे में सारे सलराम दास जी महाराज कहते हैं मुक्ति मुंडे में सारे मुक्ति सारे मुंडे में राम 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 ऐसी बात तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सच्ची प्रीत हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत संतों की उत्तम रीत है नारायण 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 नारायण।